हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक रिक्वेस्ट आई आरएनएच एकेडमी में हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है और आप लोगों में पढ़ाता भी था, तो अभी आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो क्लास टेंथ के हैं ये लोग और पूछना ये है लोगों का कि सर मैक्रो का क्या यूज हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है? तो कोई भी मैक्रो है तो उसका यूज क्या हो सकता है? मैक्रो का यूज रिकॉर्ड करने के लिए होता है, ठीक है? और भी कई यूजर्स हो सकते हैं लेकिन फिलहाल रिकॉर्ड करने के लिए एक यूज मैं दिखा देता हूँ, देखिए क्या यूज होता है। जैसे मान लीजिए ये सेम डेटा अगर मैं कॉपी करता हूँ तो यहाँ से गए, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया और फिर यहाँ पर इसको दूसरी शीट पे लेके आ जाता हूँ। तो ये शीट देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसको लेके आ गया मैं, ठीक है? इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए डेटा का ऑर्डर सही नहीं है, आप यहाँ से इसको छोटा कीजिए, इसको बड़ा कीजिए, इसको छोटा कीजिए, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? इसके लिए हम मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखिए, अब सबसे पहले तो क्या करता हूँ, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पर व्यू पे जाएंगे, मैक्रो पे जाएंगे, ठीक है? आप पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरी शीट पे जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती चली जाएंगी, ठीक है? अब यहाँ पर मैं गया और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, अब यहाँ मैक्रो 3 आ रहा है, आप इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ दे देता हूँ माई शीट, ठीक है? तो ये लिख दिया माई शीट और यहाँ पर आपको कोई शॉर्टकट की अगर देना चाहे तो आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिलहाल मैं छोड़ता हूँ, यहाँ से ओके कर दिया। अब ये रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, तो अब आप इसको अपनी तरीके से अरेंज करना शुरू कीजिए। जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ये यूनिट का कॉलम थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं आप, ठीक है? प्राइस का कॉलम को बड़ा रखना है आपको तो प्राइस का कॉलम बड़ा रखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ठीक है? यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हैं, ये कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक जो भी लगाना हो आपको लगा दीजिए, कोई बिना टेंशन के एकदम आराम से लगा दीजिए। लगा दिया, यहाँ पर इसको व्हाइट बना दीजिए, ठीक है? तो यहाँ से इसको व्हाइट बना देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से अब दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? ये चेंजेस हो गए, अब आपको मैक्रो समझ में आएगा कि होता क्या है। अब आपको क्या करना है, व्यू टैब पे जाना है, जो मैक्रो आपने ऑन किया था उसको ऑफ कर दीजिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिया, अब ये आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो गया, ठीक है? अब आप दूसरी शीट पे जाते हैं, सेम डेटा को लेते हैं, यही सेम डेटा, अगर मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ और फिर इसको यहाँ पर पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये डेटा ऐसा आता है, ठीक है? अब इस पूरे डेटा को आप सेलेक्ट रखिए, इसी पे क्लिक रखिए और मैक्रो पे चले जाइए और व्यू मैक्रो पे जाइए इस बार, और हमने क्या नाम दिया था, माई शीट नाम दिया था, तो ये माई शीट पे चले जाइए और यहाँ से नाम पे क्लिक कर दीजिए। जैसे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो ये देख रहे हैं कितना आसान है मैक्रो का यूज। आप एक बार रिकॉर्डिंग कर लीजिए, सारी चीजें अपने आप सेटल हो जाती है, ये भी एक मैक्रो का बहुत ही अच्छा यूज है। आई होप की बात समझ में आई होगी और आरएनएच एकेडमी के बच्चों की प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी, और अगर भी बच्चों को फायदा मिलता है तो बहुत खुशी होगी मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।